तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ आलू मेथी। तो आओ मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। एक गड्डी मेथी, दो मीडियम साइज के प्याज, दो हरी मिर्ची, दो दो लहसुन और आलू, एक बड़ा आलू, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक टू टेस्ट। तो सबसे पहले एक पैन, कढ़ाई, जो भी बर्तन में आप बनाना चाहो वो ले लेंगे। तो फिर गैस ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी, ये सूख जाए। मैं पानी सूख चुका है पूरा, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, दो बड़े चम्मच इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तो मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून जीरा। बिस्मिल्लाह, जब मेरा जीरा चटक जाएगा तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। मेरा जीरा चटक चुका है अच्छी तरह से, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँ। नहीं, इसी के साथ जो मैंने हरी मिर्ची और लहसुन जो मैंने चॉप करी थी इस तरह से, वो भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी जो मैंने बड़े आलू ली थी, एक बड़ा आलू। आप चाहो तो आलू को बाद में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कांदे के साथ ऐड करने से आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो आलू स्किप भी कर सकते हो या आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। भाजी का जो कांदा रहता है उसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना रहता है, बस ये पिंकिश हो जाए उसी तरह रखना रहता है बस। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। आप चाहो तो हल्दी स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी बस। तो मिक्स कर लूँगी। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी जब मेरी भाजी होने लगेगी, जब मैं ऐड करूँगी। अभी मेरा कांदा हो चुका है इस तरह से, अब मैं इसमें भाजी ऐड करूँगी, फ्लेम स्लो कर दूँगी। जो मैंने भाजी ली थी एक गड्डी, मैंने भाजी को अच्छी तरह से धो ली थी तीन पानी से, इसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है तो अच्छे से इसको वॉश कर लेना तोड़ के। तो मैंने सारी भाजी इसमें ऐड कर ली हूँ, मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इसको ढककर नहीं पकाना है, अगर इसको ढककर पकाओगे तो ये कड़वी हो जाती है, तो आप इसे ढकना मत। जब ये हो जाएगी जब ढक लेना। तो मेरी मेथी की भाजी जो है वो उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है अपना, तो मैं इसको अभी स्लो आंच पर ही पकाऊंगी। इसका फ्लेम स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं चैनल पे नॉन वेज की रेसिपी बहुत हो चुकी थी, 2-4 हो चुकी थी, तो मैंने सोची कि मैं आज वेज रेसिपी डालती हूँ, इसलिए मैंने आज आलू मेथी की भाजी डाली हूँ चैनल पे। तो इसको स्लो पर ही पकने देना है, क्योंकि ताकि इसके आलू अच्छे से गल जाए। तो मेरी भाजी ने अच्छी तरह से पानी पूरा जो था उसको छोड़ दिया है, तो आप चाहो तो इस मोमेंट पे इसको ढक सकते हो। तो मैं अभी ढक दूंगी ताकि मेरे आलू जो है वो जल्दी से गल जाए, लेकिन इसका फ्लेम स्लो ही रखना है। भाजी हो चुकी है, बन चुकी है पूरी तरह से, और इसके जो आलू थे है वो भी गल चुके हैं अच्छे से। तो मैं अभी इसमें नमक ऐड करूंगी। मैं स्टार्ट में नहीं करती हूँ क्योंकि भाजी लगती बहुत है लेकिन हो जाती है थोड़ी सी, तो जब बन जाती है मैं नमक ऐड करती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मेरी भाजी हो चुकी है पूरी तरह से,
इसका पानी गिर रहा था, छूट गया है, जो तेल था वो भी छूट चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है और जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप इसे दाल राइस के साथ, खिचड़ी, पाव, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो, ये टेस्ट इसका अच्छा रहता है। तो अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।